नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज निर्माण। मैं हूं अंशुल भालसे और आज डिजियाना न्यूज के माध्यम से आपका जो है डोले का लाइव प्रसारण आपको पूरा चैनल नंबर 92 पे देखने को मिलने वाला है और इस लाइव प्रसारण को आप यूट्यूब लिंक पे देख सकते हैं और डिजियाना नवयुग के माध्यम से भी देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस बारे में कि आज का जो शिव डोला है यानी खरगोन शहर का शिव डोला खरगोन शहर में एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। खरगोन शहर का ये जो भव्य सिद्धनाथ मंदिर है यहाँ से यह डोला निकलता है और इस डोले के मेरे साथ में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग हमारे साथ मौजूद है जी। किस प्रकार का उत्साह है आपको डोले को लेकर? बहुत जबरदस्त उत्साह है सर। ये आप जो भीड़ देख रहे हो बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत भीड़ है और बहुत मजा आ रहा है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार डोले में? बहुत बढ़िया लग रहा है इस बार डोला और भव्य निकल रहा है इस बार डोला। खरगोन का ऐतिहासिक डोला है ये, यहाँ दूर प्रदेशों से बढ़िया टीमें आ रही है और बहुत आनंद लग रहा है। जय बोले बम बम बोले। कोरोना काल के बाद ये पहला ऐसा डोला है जहाँ पर पूर्णतः स्ट्रेंथ के साथ निकल रहा है। कोरोना काल के बाद ये डोला पूरी स्ट्रेंथ के साथ निकल रहा है। डीजे स्टॉल सब भरपूर मात्रा में मौजूद है। कैसा महसूस कर? डोला निकला और भगवान की कृपा ऐसी रही कि सब शांति रही, अमन चमन है। इस चक्कर जोश उमंग के साथ डोला निकल रहा है जी। यार डोला निकल रहा है 50 वर्षों से निकल रहा है डोला। यार डोला निकला है, 2 साल हो गए, 2 साल के अंतराल के बाद पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस बार डोला निकला। कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार डोले में? बहुत ज्यादा जोश है, बहुत बहुत इंतजार था इसका, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है और लोगों में उत्साह भी देखने लायक है जी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा और सुना, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जश्न का माहौल अभी तो सिर्फ शुरुआत के चल किया है। बाबा की पालकी अभी सिर्फ यहाँ से निकली है और बाबा की पालकी निकलने के बाद अभी पूरे शहर का भ्रमण करेगी। बाबा सिद्धनाथ पूरे नगर का भ्रमण करेंगे और नगर का भ्रमण कर वापस अपने मंदिर में विराजित होंगे। अंशुल भालसे डिजियाना न्यूज निर्माण के लिए लगातार हमारे साथ बने रही है डोले के लाइव झलकियों के लिए। हमारे साथ यहाँ पर युवा साथी, हमारे साथ इस वक्त युवा साथी मौजूद है जो डोले में इस बार अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। आज जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 2 साल बाद पूरी स्ट्रेंथ के साथ डोला निकला है। पिछले वर्ष किन्हीं कारणों के कारण यहाँ पे देखा गया था कि डीजे नहीं निकले थे, इस बार डीजे भी है, पूरा प्रावधान है। कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार डोले? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इतना सब कुछ वापस पॉसिबल हुआ है। कोरोना के दौरान इतना मतलब हो नहीं सकता था लेकिन फिर भी अवेलेबल हुआ है और हमको सरकार ने बहुत सारी मतलब कोशिशें करी है और इसे पॉसिबल बनाया है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उत्साह का माहौल, त्योहार का माहौल, एक जोश का माहौल, एक भक्ति का माहौल यहाँ पर है। चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, खरगोन शहर के लिए आज जो है एक बड़े त्योहार के रूप में मौजूद है। सभी लोग यहाँ पर जो है वरिष्ठ जन, बड़े लोग, सभी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए डिजियाना न्यूज निर्माण पर और डिजियाना नवयुग चैनल नंबर 92 और यूट्यूब लिंक के माध्यम से हम लगातार आपको डोले के विषय चल के आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये शिव डोला क्योंकि इस बार बहुत ही भव्य तरीके से निकल रहा है, तो भव्य तरीके से डोला निकलना, बड़ा डोला निकलने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी लाता है। जहां पर प्रशासनिक अमला है जो अपनी तरफ से पूरे तरीके से मुस्तैद खड़ा है और सभी यहां पे लगभग ड्यूटी पे खड़े हैं, पुलिस से ले जाकर प्रशासन तक सभी यहां पे मौजूद है। हमारे साथ एक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, ये हमें बताएंगे कि किस हिसाब से, क्योंकि यहां से पालकी अभी रवाना होने को है, तो ये यहां से हमको विशेष झलकियां बताएंगे किस हिसाब से अभी प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई है। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी यहां से पालकी रवाना होना है, जन सैलाब से निकलता है ये डोला खरगोन शहर का, मतलब या कहे जाए पूरे मध्य प्रदेश में, समूचे मध्य प्रदेश में जो 2 सबसे बड़े डोले होते हैं उनमें से एक है, किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई है? जी, ये शिव डोला के आज के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और प्रशासन की पूरी व्यवस्था यहाँ पे लगी हुई है। डोले के साथ में, डोले के आगे पीछे सभी जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद कराए ताकि किसी भी आमजन को कोई असुविधा ना हो। लगभग कितने का बल यहाँ पे आपके साथ मौजूद है, कितने लोगों का बल यहाँ पे आप लेकर खड़े, क्योंकि ये मुख्य जगह है जहाँ से अभी पालकी रवाना होगी? यहाँ पर हमारा हर पॉइंट लगे हुए, सेक्टर वाइज ड्यूटी लगी हुई है, छोटे छोटे सेक्टर बनाए हैं जिसमें SGOP रैंक के हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, TI लगे हुए हैं और उनके साथ अन्य पुलिस बल लगाए, होमगार्ड, वन विभाग का पूरा दल मुस्तैद है।
तो जैसे कि आपने सुना कि सुरक्षा की भी पूरी कड़ी व्यवस्थाएं की गई है, पुलिस प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पूरे तरीके से यहाँ पे अपनी सहभागिता दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी यहाँ पे सुनिश्चित करें कि नहीं हो। पूरा मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे TI रैंक से ले जाकर SDOP और भारी मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है ताकि सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो कड़ी बनी रहे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए डोले के लाइव प्रसारण में डिजियाना न्यूज अंशुल भाल से, चैनल नंबर 92 डिजियाना नवयुग पर डोले का लाइव प्रसारण, साथ ही साथ YouTube लिंक के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। जो कि शहर के वरिष्ठ पत्रकार भी है, हमारे साथ इस समय मौजूद है पंडित दीप जोशी जी, जो शहर के वरिष्ठ पत्रकार, शहर के वरिष्ठ वक्ता और साथ ही साथ धर्म जागरण जो समितियां हैं उनके प्रमुख भी कहलाए जाते हैं। जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 साल के अंतराल के बाद समस्त फुल स्ट्रेंथ के साथ आज डोला निकलेगा, बाबा सिद्धनाथ नगर का भ्रमण करेंगे, किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है शहरवासियों में? निश्चित तौर पर भोलेनाथ करवा रहे हैं, भोलेनाथ का ही काम है, भोलेनाथ के काम में काहे का विराम है, जीवित रहे तो जग, जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमें तो है काम सिर्फ भोलेनाथ के काम से, और सिद्धनाथ बाबा की शोभा यात्रा निकल रही है धूमधाम से, निकल रही है धूमधाम से, निकल रही है धूमधाम से। नगर के राजा अधिष्ठता श्री सिद्धनाथ महादेव जी प्रजा का हाल जानने के लिए श्री नवग्रह की नगरी खरगोन में भादो दूज को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी निकल रहे हैं। कोरोना काल को छोड़कर देखा जाए तो 54वां वर्ष है बाबा का, बाबा प्रजा का हाल जानेंगे और सुख समृद्धि की बरसात होगी, ऐसी हमारी प्रार्थना है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक माननीय श्री राधेश्याम जी पाटीदार के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में और संगठन मंत्री श्री अतिशय जी जोशी के मार्गदर्शन में हमने यहाँ पर चंदन का तिलक लगाने का और काशी से जो भस्म लाए हमारे रामदास जी चौधरी, राजू जी सोनी और रितेश जोशी, उनके माध्यम से ये चंदन और भस्म लगाई जा रही है। जी, जैसे कि आपने सुना कि बहुत ही यहाँ पे उत्साह का जो बात है और लेवल है वो अलग लेवल पे आया। हमारे साथ मौजूद है कुबेर जोशी जी। कुबेर जोशी जी शहर के वरिष्ठ वक्ता के साथ साथ शहर में वरिष्ठ कार्यक्रमों के जो है सूत्रधार भी रहे हैं, साथ ही साथ कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। आज शिव डोले का आयोजन शहर में हुआ है, कुबेर जोशी जी कैसा देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐतिहासिक डोला है हमारा और हमारे हिंदू समाज के लिए गौरव की बात है, और विशेष करके हमारे खरगोन के लिए गौरव की बात है कि इसमें का शिवमय डोला हमारे खरगोन में पिछले कई वर्षों से निकलता आ रहा है, जिसलिए पूरा नगर शिवमय हो जाता है, हर भक्त, हर श्रद्धालु हर हर महादेव के गुंज के साथ में इस डोले में शामिल होते हैं और विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगते हैं जिनका आनंद लेते हैं, और पूरा नगर जो है आज शिवमय हो गया है। और मैं सभी शिव भक्तों को इस मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ललाट पे चंदन लगा रहे हैं आप, ललाट पे चंदन लगा रहे हैं, ललाट पे चंदन लगा कर क्या नारा कहलवा रहे हैं? मैं ललाट पे सिंधु भगवान श्री राम का जो तिलक है वो सभी शिव भक्तों के ललाट पे लगा के अपना जीवन धन्य कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक अवसर है, यही एक ऐसा मौका है कि भगवान शिव का डोला हो और मेरे द्वारा चंदन लगाया जाए। तो ये तुलसीदास जी के वो पंक्ति याद आती है जो तुलसी चित्रकूट के घाट पर भाई चंदन की भीड़ चंदन घसे तुलसीदास लगा चंदन भी, तो उसी तरीके से ये मेरा एक सौभाग्य है, मेरा एक सौभाग्य है कि मैं आज सब शिव भक्तों को अपने हाथों से चंदन अपने लाल पे लगा रहा हूँ। तो ये हमारे साथ है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक अलग ही लेवल का उत्साह देखने को मिला है। यहाँ पे हमारे साथ एक छोटा सा नन्हा सा बालक आप देख सकते हैं हमारे पीछे की किस प्रकार से, ये देखिए, ये छोटे से बालक शिव बन के यहाँ पर आए हुए हैं, जो अलग उत्साह, जैसा कि हमने बताया था कि बच्चों से ले जाके बड़े वर्गों तक की बात करें, यहाँ पे छोटे से बच्चे भी है जो शिव जी की भक्तिमय नजर आ रहे हैं। ये देखिए हमारे साथ, देखिए, बोल हेलो, जय जय श्री राम, जय जय शंभु, बोलो ले ले हाथ में ले ले, दे दे ऊपर हो गया, आप लोगों में से बोल पाएंगे?
तो जिस प्रकार से यहाँ पे पुरुष वर्ग में जितना ज्यादा उत्साह है उतना ही ज्यादा महिला वर्ग में भी यहाँ से उत्साह है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाबा की पालकी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाओं की तादाद भी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि वे कैसा महसूस कर रही है इतने भव्य आयोजन को देख के, इतने भव्य डोले में। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार शिव डोला जो निकल रहा है, इतना भव्य आयोजन हो रहा है, खरगोन में एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं और बाबा के दर्शन के लिए कितने आतुर है आप लोग? हम लोग इस शहर में नए हैं, बहुत सुना है, लोग त्योहार की तरह मनाते हैं शिव डोले को, बहुत सुना है, आज देख भी लिया कितना भव्य है, भगवान का कितना ऐश्वर्य है, आज देख भी लिया, सुना बहुत था, आज देख भी लिया। तो जैसे कि आपने सुना कि खरगोन शहर में ही नहीं, समूचे प्रदेश में, समूचे अलग अलग जगह पे भी हमारे शिव डोले की जो कथाएं हैं, शिव डोले की बातें हैं, वो लगातार होने को मिलती है, सुनने को मिलती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे है जो महिलाएं भी मौजूद है, जो पालकी यात्रा के दर्शन करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए, साथ ही साथ उनके ऊपर फूल बरसाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। अगर आप खरगोन शिव डोले में आ रहे हैं और आपको दिन भर इस डोले में घूमना है तो आपको आपके खाने पीने की बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा सिद्धनाथ की पालकी जब खरगोन शहर की गलियों में, खरगोन शहर के मार्गों से निकलती है तो उनके भक्तों के खाने पीने का इंतजाम तमाम भक्तों द्वारा किया जा सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टॉल, अलग अलग खाने की चीज़ों के स्टॉल लगाए गए हैं। मैं यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से यहाँ पे स्टॉल एक लगा हुआ है, इस समय बावड़ी पे मौजूद है, बावड़ी पे जो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे जो है इन लोगों को प्रसादी के रूप में जो है अलग अलग प्रकार की चीज़ें, पोहे, भजिए, आलू बड़े आदि चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस चीज़ का स्टॉल लगाया गया है? यहाँ पूरे बावड़ी व्यापारी संघ तरफ से पोहे का स्टॉल लगा हुआ है, सभी की बावड़ी पूरे व्यापारी संघ तरफ से पोहे का स्टॉल है। ये हमारे पीछे आपने जैसे कि सुना कि बावड़ी व्यापारी संघ के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है, ऐसे ही पूरे रास्ते पर हम जब चलते जाएंगे, देखते जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के स्टॉल्स हमको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ डिजियाना न्यूज पर, डिजियाना नवयुग चैनल नंबर 92 और यूट्यूब लिंक पर जरूर जाएं और देखें सिद्धनाथ बाबा का डोला लाइव। Thank you.
नमस्कार डीजेआना न्यूज निमाड़ एवं खरगोन शहर की समस्त जनता का, हमारे दर्शकों का मैं अंशुल भाल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज खरगोन शहर में महापर्व है, यानी कि शिव डोला चल रहा है। और मेरे साथ आप लोग लगातार देख सकते हैं कि किस प्रकार से न केवल पुरुष वर्ग महिला वर्ग में भी उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग आपको दिखेंगे भक्ति के रस में ओतप्रोत नजर आएंगे, क्योंकि ये लगभग 3 से 4 साल के अंतराल के बाद इतना बड़ा जो है डोला यहाँ पर आयोजित किया गया है। और इतना अच्छा डोला जिसमें सुव्यवस्थित डीजे से ले जाकर प्रत्येक चीज की सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। मेरे साथ में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग बाबा के भक्ति के जो भजन है उन गानों पर झूमते और नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए चैनल नंबर 92 पे, और साथ ही साथ डीजेआना न्यूज निमाड़ के यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है, जिसमें इस समय मेरे साथ सूरज पाल और जो SS स्टूडियो की पूरी टीम है वो हमारे साथ मौजूद है। नामदेव जी यहाँ से मौजूद है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे चारों पार्टनर्स का, अमित जैन, अमित भावसा, जितेंद्र भदौरिया चैनल हेड एवं डायरेक्टर, हमारे श्याम जी कुशवाहा, ये चारों हमारे डायरेक्टर्स एवं चैनल हेड श्याम कुशवाहा जी एवं डायरेक्टर भी हैं, जो इन सभी के माध्यम से ये जो है आपको लाइव यथाकथित लाइव आप तक पहुंचाया जा रहा था। हमारी टीम लगातार प्रयासरत है कि आप तक लाइव की हर एक दृश्य और झलक को पहुँचाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेआना नवयुग चैनल, और इस समय हम हैं डोले के मध्यस्थ में खड़े, मतलब इस समय पालकी जो है बाबा के मंदिर से रवाना हो चुकी है, और बाबा के मंदिर से पालकी अब ऑन द वे है। और लगातार आप मेरे आगे और पीछे देख सकते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ते ही जा रही है, उमड़ते ही जा रही है। और जैसे जैसे अब ये समय आगे की ओर चढ़ते जाएगा, ये समय के साथ है, तो लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती जाएगी। डीजेआना नवयुग के माध्यम से आपको लगातार इसका लाइव टेलीकास्ट हम पहुँचा रहे हैं, और हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद है। जी आप बताए, आप स्पेशली कहाँ से आए हैं डोला देखने? मध्य प्रदेश से। बहुत आनंद और मजा आ रहा है एकदम खरगोन में। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बुरहानपुर से आए हैं यहाँ डोला देखने, क्या ऐसा विशेष सुनने को मिला आपको कि आप यहाँ डोला देखने के लिए इतनी दूर से आए? महाकाल का आशीर्वाद था, तो महाकाल ने 7 साल में पहली बार मुझे यहाँ बुलाया, और इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में मैंने कहीं मजा नहीं लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है, खरगोन जिले को धन्यवाद बहुत दिल से, तहे दिल से। और मेरे 7 साल से मतलब लग रहा है कि मैं जाऊँ। बाकी पहली बार बाबा को बुलाना आया, रात को 6 बजे घर से निकले, 11 बजे हम यहाँ बारिश में पहुँचे, और बहुत आनंद मिला। खरगोन जिले को बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा महाकाल के अधीन कृपा हमारे पे बना, जय श्री महाकाल। तो जैसे कि आपने सुना कि ना केवल खरगोन शहर और खरगोन जिला, अपितु पूरे आसपास के क्षेत्रों से, जिलों से, जगह जगह से लोग यहाँ पर आते हैं और इस डोले का लुत्फ उठाते हैं, इस डोले में आकर बाबा की भक्ति में रमते हैं, बाबा की रक्ति में झूमते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि सुरक्षा के जो व्यवस्था है वो कड़ी की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही पुख्ता रखी गई है, जगह जगह पर पुलिस पॉइंट्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो श्रद्धालु इस डोले में शामिल होने के लिए इस समय आ रहे हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह स्टॉल लगे गए हैं। यहाँ आप मेरे साइड में देख सकते हैं स्टॉल लगा गया है, वहीं आप आगे की तरफ देखेंगे तो आदिवासी नृत्य और अलग अलग प्रकार की जो है झांकी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ युवा साथी ऐसे खड़े हैं जो यहाँ पे पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही आप जब हमारे साथ आगे की ओर चलेंगे तो देखेंगे बाबा की जो मेन भक्ति है वो भी आ रही है, और अभी जो जनता का सैलाब है वो धीरे धीरे उमड़ना शुरू ही हुआ है। कुछ ही समय में जो जनता का सैलाब है वो यहाँ पे उमड़ेगा। आप बने रहिए हमारे साथ डीजेआना नवयुग पे चैनल नंबर 92, यूट्यूब लिंक और साथ ही साथ फेसबुक लाइव पर भी। हमारे साथ इस समय मौजूद है पंडित जगदीश ठक्कर, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से डोले का रुझान देखा गया है, क्योंकि इस बार जो डोला है वो अपनी पूरी क्षमता के साथ निकला है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो रहे हैं, जगह जगह स्टॉल, जगह जगह यहाँ पे जो है झांकियों का आयोजन, जगह जगह जो है अखाड़ों का, जगह जगह साथ ही साथ स्टॉल भी लगाए गए खाने के। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभी डोला इस बार आयोजित हुआ है पूरी स्ट्रेंथ के साथ हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? यह डोला 2 वर्ष के बाद पूर्ण अपने शोभा के साथ खरगोन नगर में सिद्धनाथ बाबा भ्रमण करने निकले हैं, और आज पूरा निमाड़ क्षेत्र जो है शिवमय हो गया है, चारों तरफ सुख शांति से बाबा अपनी सवारी के साथ थाट बाट से निकल रहे हैं। अनेक दूर दूर से भक्तजन आए हैं और सब भक्तों का स्वागत यहाँ तिलक चंदन के द्वारा कर रहे हैं, और सब भाईचारा से घूम रहे हैं, यहाँ पर कोई भी अशांत माहौल नहीं है, और प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था है, और सब नागरिक अपने अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं, और बाबा शिव के बम बम भोले के साथ नारे लगा रहे हैं और जयकारा कर रहे हैं, जय बम बम भोले।
जी एक चीज देखी गई है यहाँ पे आपका आजादी का अमृत महोत्सव और तिरंगे का भी यहाँ पे आपने बैनर लगाया है, इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? तिरंगा इसलिए लगाया है कि तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारा मान है, तिरंगा हमारा सम्मान है और हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसके दिल में जगह देना चाहिए। जिस प्रकार हमारे इष्ट को हम सम्मान देते हैं उसी प्रकार भारत माता का ध्वज, भारत के ध्वज को सम्मान देना चाहिए और यही उद्देश्य, यही संदेश हमारे ब्राह्मण समाज के द्वारा हम दे रहे हैं। पंडित जगदीश ठक्कर, खरगोन। तो चुनाव की भक्ति के जो रस्म है सभी लोग घूलने को तैयार हो चुके हैं और अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे भक्ति के रस्म में और ज़्यादा भक्त झूमते नजर आएंगे। मैं अंशुल भाल से, मेरे साथ मौजूद सूरज पाल जी, हम लोग आपको पूरे डोले का विजुअल दिखाने लेकर जा रहे हैं लाइव। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भोलू जी कर्मा। भोलू कर्मा जी, आप जनसंपर्क के लिए भी एक तरीके से निकल गए हैं, जनता के बीच में आए हैं, उपाध्यक्ष की पोस्ट मिली है, ये डोला भी आयोजित हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये डोला इस बार का जो दो साल से आप देख रहे थे जो कोरोना काल की भेड़ो, तो इस बार का भव्य और ऐतिहासिक डोला है। इसके लिए खरगोन के सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी प्रकार से हमारा डोला समय पर बढ़ता जाएगा और एक पूरे भारत में इतिहास रचेगा। हर हर महादेव। आपने जैसे कि देखा मेरे साथ इस समय नगरपालिका के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भोलू कर्मा मौजूद थे, जिनके द्वारा भी डोले में सभी को शुभेच्छाएं दी गई। मैं सूरज पाल के साथ आपको लगातार डोले की झलकियां दिखाते हुए डिजियाना न्यूज चैनल क्रमांक 92, साथ ही साथ यूट्यूब और फेसबुक लिंक के माध्यम से भी लाइव प्रसारण। ये इस समय हम यहाँ पे मौजूद हैं, माँ कालरात्रि की दृश्य दिखाई देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दृश्य दिखाएं, ये इस प्रकार की जो भव्य झांकियाँ हैं ये समूचे शिवडोले में आपको देखने को मिलती हैं। माँ काली के भयंकर विकराल स्वरूप में यह जो झांकी है आप लगातार इसका लाइव प्रसारण चैनल पर देख रहे हैं और किस प्रकार से ये झांकी है, और आसपास आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है, भक्तों की भीड़ लगी है, लोगों की भीड़ जमा है जिनके द्वारा लगातार फोटोएं, दृश्य और तस्वीरों में इन जो दृश्य है इनको कैद करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी दृश्य आप लोगों से छूट ना जाए जो इस डोले में आप लोग घर बैठे ना देख पाए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। इस समय हमारे साथ मौजूद है ये जो हमारे महाराज शिव बने हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये इतनी भीड़ देख के कैसा महसूस कर आप बताएं अपनी तरफ से कैसा महसूस कर रहे हैं इसमें? ये झांकियों का अरेंजमेंट यहाँ पे करा गया है, इतना ज्यादा कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस, बहुत पब्लिक है, प्रोग्राम बढ़िया है। इस तारीफ तरह से देखा गया था कि लगातार इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली थी, इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु इस झांकियों में शामिल है, डोले में शामिल है। आप भी झांकी लेकर निकले हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, पसंद कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, 10 दिन से यहीं प्रोग्राम पर चल रहे हैं, कल महाराष्ट्र था, आज यहाँ है, कल आगे इंदौर है, प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं और इससे ज़्यादा भीड़ मिल रही है लगातार। जैसे आपने देखा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान शिव बने हुए ये झांकी जा रही है, कई हनुमान बने हुए और यहाँ अघोरियों का नाच करते हुए यहाँ पे चल रहे हैं।
तो हमारे साथ बने रहिए डीजेएनआर न्यूज के द्वारा लगातार लाइव में। चलो जो है डोले की झलके आप लोगों के बीच में अभी ग्राउंड से भी हम घुमा के लाए हैं और मेरे साथ ये मेरी साथी टीम मौजूद है जिनके माध्यम से यहाँ पे आपको ये लाइव देखना संभव हो पा रहा है। हमारे चारों डायरेक्टर्स का हम धन्यवाद करते हैं, अमित भावसार, जितेन भदौरिया, अमित जैन, श्याम कुशवाहा, जो लगातार इनके पीछे ये लाइव का कंसेप्ट लेके आए, और ये हमारी एसएस स्टूडियो की टीम जो लगातार जो है दृश्य आप लोगों को देखने को मिल रहा है डोले के। जनता का सैलाब सड़कों पर सागर की तरह आ चुका है, समंदर की तरह जनता है जो पूरी सड़कों के ऊपर आके समा चुकी है, जिसके माध्यम से ये देखा जा रहा है, जिसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि खरगोन शहर शिव डोले का जो माहौल है वो अपने शबाब पे है, पूरे चरम पे है। बड़े डीजे भी यहाँ पे आ चुके हैं लगातार, अभी भी जो है भगवान सिद्धनाथ की झांकी का पावड़ी पे आने का इंतजार लगातार लोगों द्वारा किया जा रहा है। चैनल नंबर 92 के माध्यम से आप लोगों को इसका पूरा प्रसारण यहाँ पर दिया जा रहा है। इस प्रसारण के माध्यम से लगातार आपको डोले के एक भी झलके ना छूटे इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। डीजेएनआर न्यूज नवयुग चैनल एवं डीजेएनआर न्यूज निमाड़ के चैनल नंबर 92 के साथ साथ एवं हमारे यूट्यूब एवं फेसबुक लिंक पर भी लगातार लाइव आप देख रहे हैं डोले के झलके, लगातार आप देख रहे हैं, लगातार डोले के झलके आप देख रहे हैं, लगातार डोले के झलके आप लोगों के सामने डीजेएनआर नवयुग चैनल पर। हम हमारा चारों पार्टनर, हमारे चारों एनर्जिक डायरेक्टर्स को धन्यवाद करना चाहेंगे, अमित भावसार, जितेंद्र भदौरिया, अमित जैन, श्याम कुशवाहा जी, जिनके द्वारा लगातार इस समय हमारे साथ मौजूद है सकल हिंदू समाज के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं हिंदू नेता, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से रहा है यहाँ पे रुझान डोले का। इस बार पूरी क्षमता के साथ शिव डोला ने बहुत ही हर्षोल्लास का समय है इस समय और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आप सकल हिंदू समाज के नेता भी है, ये हिंदू समाज का बहुत बड़ा आयोजन माना जाता है खरगोन शहर में, इतनी युवा भीड़ इकट्ठी हुई है, इस बार क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये खरगोन शहर ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा जल समारोह है। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे बबलू पाल, जो कि सकल हिंदू समाज के यहाँ के वरिष्ठ नेता, साथ ही साथ वरिष्ठ जो है अध्यक्ष भी है। उनके द्वारा बताया गया कि ना केवल खरगोन का बल्कि समूचे प्रदेश का यह बहुत बड़ा आयोजन है। आप बने रहिए हमारे साथ चैनल नंबर 92 डीजेएनआर नवयुग पर और यूट्यूब लिंक के माध्यम से। अंजुल बाल से खरगोन। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना ही दुर्लभ नजारा देखने को मिलता है, ना केवल जो है पुरुष वर्ग के द्वारा मगर महिला वर्ग के द्वारा भी लगातार यहाँ पे जो है जो नृत्य की प्रस्तुति है, आप देख सकते हो मेरे पीछे की कितना ज्यादा जनसैलाब, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है जिनके द्वारा लगातार जो है यहाँ पर नृत्य की प्रस्तुति और श्रद्धा भक्ति में पूरी तरीके से डूबे हुए। खरगोन शहर की समूची आवाम के लिए, समूची जनता के लिए डीजेएनआर नवयुग चैनल की ओर से 92 नंबर पे यह प्रसारण लाइव आप लोगों के बीच में करा जा रहा है, जिसके माध्यम से लगातार आपको पता चले कि कैसे यहाँ पर जो है डोले का आयोजन हुआ। इस भव्य डोले का आयोजन करीब एक बहुत ही समय अंतराल के बाद हुआ है और इस समय अंतराल के बाद देखा जा रहा है कि इतने बड़े लेवल पर डोले का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे जिस हिसाब से झांकियों का जो सिलसिला है लगातार जारी है और चलता ही जा रहा है।